नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पूजा कविया। तो आज प्राइम टाइम डिबेट में बात होगी, क्या बजट से होगा बेड़ा पार। जी हां, अंतरिम बजट में जो घोषणाएं की गई हैं उसके आधार पर जवाब तलाशेंगे कि 2019 में इसका कितना फायदा होगा। 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने अंतरिम बजट के जरिए विपक्ष को धराशायी कर दिया है। मिडिल क्लास, किसानों और मजदूरों पर तोहफों की बरसात कर डाली है। इसको मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या बजट से बेड़ा पार होगा और दोबारा सत्ता में आने का मौका मिल पाएगा। तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मोदी सरकार का अंतरिम बजट पेश किया। पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट में हर वर्ग का खास ख्याल रखा। उन्होंने मिडिल क्लास को बंपर राहत दी, जबकि किसानों का भी विशेष ख्याल रखा। मजदूरों को मासिक पेंशन देकर उनका सम्मान जताया। बजट भाषण के दौरान पीयूष गोयल ने भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था भी बताया। मोदी सरकार ने अंतरिम बजट पेश किया। जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था कि ये बजट लुभावना होगा, हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। सरकार ने लोक लुभावना बजट पेश किया, जिसमें गरीबों, किसानों और मिडिल क्लास पर फोकस रहा। सरकार ने बजट में मिडिल क्लास को टैक्स में छूट देकर बड़ी राहत दी है। वहीं गरीबों का भी ख्याल रखा गया है। एक तरह से अंतरिम बजट को चुनावी बजट कहा जाता रहा है। अपने बजट भाषण के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने मोदी सरकार के कामों को गिनवाया और बताया कि भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। वी आर मूविंग टुवर्ड्स रियलाइजिंग अ न्यू इंडिया बाय 2022। व्हेन वी सेलिब्रेट 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, एन इंडिया विच इज क्लीन एंड हेल्दी, वेयर एवरीबडी वुड हैव अ हाउस with universal access to toilets, water, electricity, where farmers' income would have doubled, youth and women would get ample opportunity to fulfill their dreams, and India free from terrorism, communalism, casteism, corruption, and nepotism. State of the economy. Madam Speaker, the last 5 years have seen India being universally recognized as a bright spot of the global economy. The country witnessed its best phase of macroeconomic stability during this period. We are the fastest growing major economy in the world today. Hamari sarkar ne vittiya ghata aadha kiya. भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। हमारी सरकार ने कमर तोड़ महंगाई की कमर तोड़ी। महंगाई काबू आने से आम आदमी की बचत बढ़ी। 2022 तक किसानों की आय दोगुना करना लक्ष्य। नरेंद्र मोदी ने देश को मजबूत सरकार दी। हमारी सरकार 2022 तक हर किसी को घर देगी। महंगाई दर अभी तक के निचले स्तर पर है। पिछली सरकार के कार्यकाल में बेहिसाब लोन बांटे गए। पिछले 5 साल में कई योजनाएं शुरू की गई। आज बड़े उद्योगपतियों को भी लोन वापस करना पड़ता है। बैंकिंग व्यवस्था को सुधारने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए। हमने भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चलाई। 5 लाख से अधिक गांव खुले में शौच से मुक्त हुए। स्वच्छ भारत अभियान बना राष्ट्रीय आंदोलन। वहीं स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी सरकार ने कई ऐलान किए हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार लोगों के स्वास्थ्य को लेकर गंभीर है। आयुष्मान भारत योजना से 50 करोड़ लोगों को फायदा। आयुष्मान भारत योजना से 10 लाख लोगों का इलाज हुआ। सरकार ने 14 नए एम्स बनवाए। देश का 22वां एम्स हरियाणा को मिलेगा।
सरकार ने अंतरिम बजट के जरिए ये मैसेज देने की कोशिश की है कि देश विकास की पटरी पर दौड़ रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले सरकार ने लोगों को खूब लुभाने की कोशिश की है और अंतरिम बजट के जरिए बड़ी राहत दी है, लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है कि सरकार रोजगार नहीं दे पाई और न ही महंगाई कम कर पाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जी हाँ, तो इस बजट से क्या बेड़ा पार हो पाएगा? 2019 की जंग क्या इसे जीती जाएगी? सवाल बड़े ही गंभीर है, लेकिन इस आम बजट में क्या कुछ खास रहा, विशेष बातें भी आपको बताएंगे, साथ ही इसका एनालिसिस भी करेंगे कि किन मायनों में आम जनता के लिए ये सही है, आम जनता को कितना फायदा इससे होने वाला, और खासतौर पर कहा जा रहा है कि मिडिल क्लास के लिए ही है और मिडिल क्लास को लोक लुभावने वायदे से जो किए गए थे वो फुलफिल होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या जिस मायने से इसको लाया गया है जनता तक वो पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा? तमाम सवाल तमाम जवाब जानेंगे खास डिबेट में। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, सबका इंट्रोडक्शन आपसे करा दें। हमारे साथ हुकुम सिंह भाटी जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से, सुखबीर तंवर प्रवक्ता इनेलो की तरफ से, हमारे साथ मनीष खटाना जी प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से और दलबीर धनखड़ जी प्रवक्ता जेजेपी की तरफ से। बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। सबसे पहला सवाल हुकुम सिंह जी आपसे ही, आम बजट लाया गया लेकिन बजट कम, इसे चुनावी बजट ज्यादा कहा जा रहा है क्योंकि अब कुछ ही समय है, अंतरिम बजट है और उस अंतरिम बजट को लाया ऐसे गया है जैसे 10 साल तक आप ही रहने वाले। देखिए पूजा जी, ये बजट क्योंकि चुनावी वर्ष है, 2019 में लोकसभा के चुनाव बिल्कुल आने वाले हैं, तो इसको अपोजिशन चुनावी बजट कह रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल ये पूरे देश के समग्र विकास को देख करके एक बजट तैयार किया है। ये अंतरिम एक बजट है और जिसमें समाज के हर तबके को समायोजित करने का काम किया गया है। इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी बढ़ाया है, किसानों को भी दिया है, मजदूरों को भी दिया है और बैंकिंग व्यवस्था को सुधार करके व्यापारी वर्ग को भी इसमें राहत देने की कोशिश की है। मैं समझता हूं कि हर तबके को इसमें शामिल किया गया है और उनको कहीं ना कहीं उनको लाभान्वित किया जाना है। आखिरी समय में सारे तबके याद आए, महज 70 दिनों का वक्त रह गया है और इसी वक्त में सब याद आया है, क्या लग रहा है आपको, चुनावी इसको ना कहा जाए बजट? आप ही से। जी देखिए, ऐसा नहीं है कि ये कुछ अभी याद आया। अगर आप पिछले चार बजट को देखेंगे तो उसमें भी बहुत कुछ सरकार ने देने का काम किया है। अब मैं अगर स्वच्छता अभियान की बात करूं तो स्वच्छता अभियानों में 453,000 जो है गांवों को स्वच्छ किया गया है, उनको जो उनको शौच मुक्त किया गया है, तो ये अभियान और इसको अब बढ़ाने के लिए फाइनेंशियल एस्पेक्ट और बढ़ाया गया है। किसानों को भी दिया गया 50% उनकी लागत का बढ़ा करके दिया जाना, ये कोई अभी नहीं किया, ये पहले से चलता है। विपक्ष कह रहा है कि किसानों का मजाक उड़ाया गया, महज 17 रुपए रोजाना देकर, राहुल गांधी कह रहे हैं ये तो मजाक है, इससे भद्दा मजाक किसानों के लिए क्या होगा? नहीं सुनिए जरा, राहुल गांधी जी तो बिल्कुल ही लीक से हटकर बात कर रहे हैं, उन्होंने तो कभी दिया ही नहीं। अगर मैं इस 6,000 रुपए सालाना जो 5 एकड़ के तक के किसान को दिया जाना है, अगर कांग्रेस का पिछले 50 साल का बजट देख लीजिए, अगर किसान को 1 पैसे की भी उन्होंने कोई राहत दी हुई हो, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं। वो अब जैसे लागत मूल का 50% किसान को दिया गया है, ये कभी कांग्रेस ने कहां किया? उन्होंने जो MSP था उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया बस, इसलिए उनके पास तो इन सब चीजों का जवाब नहीं है, केवल आरोप प्रत्यारोप के अलावा कांग्रेस के पास कुछ। मनीष खटाना जी, आरोप प्रत्यारोप लगाना काम है कांग्रेस का, बेशक कर्ज मुक्ति की बात करती हो, चुनाव भी जीत जाती हो, किसानों के लिए जो वायदे करती है उस बिहाफ पर पिछले दिनों हमने देखा कैसे 5 राज्यों के चुनावों में भी तख्तापलट किया गया, लेकिन क्या कैसे आप इस बजट को देख रहे हैं? देखिए बजट पूरे तरीके से चुनावी बजट है क्योंकि मात्र 70 दिन का टाइम इनके पास रह गया है। 70 दिन में से भी 40 दिन 45 दिन आचार संहिता लग जाएगी तो मात्र 40 दिन है। थोड़े दिन पहले इन्होंने 10% आरक्षण का मुद्दा उठाया था और वो पास किया था संसद में, और उसमें इन्होंने कहा कि जिस आदमी की 8 लाख से कम इनकम है उसको हम गरीबी दर के नीचे ले जाएंगे। यहाँ पर आप 5 लाख की छूट देते हैं कि जिनकी 5 लाख से ऊपर है वो टैक्स भरें, और वहां पर आप 8 लाख वाले को गरीबी दर में शामिल करते हैं। तो सरकार की मंशा देखो, इतने बुद्धिजीवी लोग सरकार में बैठे हैं वो अभी तक ये क्लियर नहीं कर पाए
कि 5 लाख वाला गरीब है या 8 लाख वाला गरीब है, टैक्स में छूट 5 लाख वाले को दी जानी चाहिए या 8 लाख वाले को दी जानी चाहिए। और हमारे भाजपा के प्रवक्ता बड़े भाई ने बड़ी अच्छी बातें कही कि आपने के सरकार में 50 साल में आपने कौन से किसानों के कर्जे माफ करे, कौन से किसानों को आपने राहत दी। तो मैं बता दूं कि यूपीए की सरकार में चेयरपर्सन माननीय श्री सोनिया गांधी जी ने सरकार बनने के बाद 72,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्जा माफ करने का काम करा। और आज हम जहां बैठे हैं, हरियाणा प्रदेश की अगर बात करें तो सबसे पहले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुख्यमंत्री बनने के बाद 1600 करोड़ जो बिजली का बिल जो बकाया था किसानों का, उसको माफ करने का काम करा। एक काला कानून था हरियाणा के अंदर, जब किसान कर्जा लेता था और उसकी भरपाई नहीं कर पाता था तो पुलिस वाले उसको घर से पकड़कर उसको बंद करने का काम करते थे। उस कानून को खत्म करने का काम कि किसी भी किसान को आप अब इस तरीके से बंद नहीं कर पाएंगे। किसानों को 20 से 25 के चेक भी बांटे। ये किसानों के लिए हुड्डा सरकार में हुआ। आपकी सरकार में क्या हुआ, 3.5 लाख करोड़ रुपए 15 पूंजीपतियों के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने माफ कर दिए। और इस 5 साल की सरकार के कार्यकाल में सिर्फ 15-20 ऐसे पूंजीपति उद्योगपति हैं जिनकी आय 1,000 टाइम से ज्यादा बढ़ गई। देश में गरीबी का जो स्तर था वो इस 5 साल में सबसे निचले स्तर पर चला गया। गरीब दर बदर और गरीब होता चला गया, और जो अमीर था वो और अमीर होता चला गया। और जीडीपी की बात करें, जीडीपी आपने देखा पहले क्या था और आज क्या है। आप इस सरकार में चाहे आप करप्शन की बात करें, चाहे एजुकेशन की, चाहे मेडिकल की, चाहे फार्मर की, चाहे मजदूर की, चाहे स्पोर्ट्समैन की, हर इंसान, हर स्पोर्ट और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जिसका सबसे ज्यादा सीधा का सीधा तात्पर्य वहां के लोगों का होता है, और वो स्मॉल और जो नोटबंदी में मतलब बजट पूरी तरह से लोक लुभावन वादा वाला और चुनावी बजट इसको आप बता रहे हैं। दलबीर धनखड़ जी से भी प्रतिक्रिया लेते हैं। एक मिनट और लूंगा। बजट लोक लुभावने वायदे का है, लोक लुभावने वायदे करने में ये सरकार नंबर वन है। 2014 में जब सरकार आई थी इनके वायदे और इन्होंने जो मुंगेरी लाल के सपने दिखाए थे उस मामले में इनका कोई मुकाबला नहीं। आपने वो सपने जनता को मतलब नहीं दिखाए, इसीलिए जो कल रिजल्ट रहा वो आप हम सब देखेंगे। उस पर नहीं मैं आना चाहूंगी, उस पर मैं फिलहाल नहीं आना चाहूंगी। दलबीर जी, पूजा जी धन्यवाद। पूजा जी बड़ी हैरानी होती है, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, जहां तक कांग्रेस के मेरे मित्र अच्छी बातें बोल रहे, इस देश में आज जो हालत है, प्रदेश में जो हालत है, सबसे ज्यादा राज कांग्रेस ने किया है। तो कांग्रेस अपने आप को ये दिखाने की कोशिश नहीं करे अगर हमने बहुत कुछ किया। एक नारा लेके कांग्रेस चली थी, गरीबी हटाओ। गरीबी हटाने की बजाय गरीबी बढ़ाई कांग्रेस, इसमें कोई शक नहीं है। नहीं तो मैं अपने मित्र से पूछना चाहूंगा, पहले मैं कांग्रेस पर आता हूं। जब देश आजाद हुआ था डॉलर के मुकाबले 1 रुपया बराबर बराबर था, तो ये देश की हालत क्यों हुई ये कांग्रेस के मित्र ने बताना पड़ेगा उठने से पहले। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सरकार, भारतीय जनता पार्टी की हम बात, भारतीय जनता पार्टी करेंगे, आज बजट पे बात होगी। बजट पे बात होगी, अच्छी लगेगी। मैं इसीलिए कह रही हूँ बजट में जनता को फायदा क्या नुकसान क्या, आम भाषा में अगर आप उसको समझाएंगे ज्यादा बेहतर रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बजट है मैडम। मैं तो आपको 2014 में ले जाना चाहूंगा, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जब वो सेंटर में ये हार गए थे कांग्रेस बुरी तरह, मुख्य विपक्षी दल का दर्जा नहीं मिला था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या किया था, 1500 रुपए दूंगा अगले साल से 1 नवंबर से, क्यों अक्टूबर में चुनाव था, मैं नौकरियां सारे बैकलॉग कर दूंगा। मतलब ये लोक लुभावने वादे हर कोई सरकार अपने फायदे के लिए करते। कांग्रेस की रीति नीति यही है, सेम वही भारतीय जनता पार्टी की, चेहरे बदले, फायदा देने वाली सरकारें नहीं बदली। फायदा देने वाली सरकार आई थी एनडीए की सरकार, जिसको अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार कहते हैं। कहां गए वो मुद्दे दोनों पार्टियों के, नहरों को नहरों में लाना, बाढ़ को रोकना, सूखे को रोकना, ये है मुद्दे किसानों का करना। तो किसानों के लिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बात लेके आई, स्वामीनाथन लागू रिपोर्ट लागू करेंगे, 1.5 गुना देंगे। आपको मैं बताना चाहूंगा हालत इतनी खराब है मैडम किसानों की, सबको पता है। मैं तो एक बात पूछना चाहता हूँ, 5 लाख रुपए के आज सुबह से ढिंडोरे पीटे जा रहे हैं, सुबह से सब कहते 5 लाख रुपए तक की छूट होगी। पहले तो मैं आप सबको ये बताना चाहूंगा, 5 लाख की छूट जो की है वो 4 महीने बाद अगर सरकार बदलेगी तो नई सरकार टर्म्स एंड कंडीशन क्या लगाएगी किसी को नहीं पता, और ये भी टर्म्स कंडीशन क्या करेंगे किसी को नहीं पता। परंतु एक हैरानी की बात बताता हूँ, 5 लाख से 1 रुपया ऊपर इनकम दिखाते ही 12,500 रुपये आपको वहीं देने पड़ जाएंगे।
लेकिन किसी इसका, को नहीं पता इसका, इसका इम्पैक्ट देखिए ना आप, इसका इम्पैक्ट कितना पड़ रहा है मिडिल क्लास पर, खासतौर पर वो वर्ग जो अब लग रहा है कि वोट बैंक के लिहाज से मोदी सरकार के साथ होगा, क्योंकि 200 लोकसभा सीटों पर इसका फर्क पड़ने वाला है। चाल 200 लोकसभा सीटों पर है, चुनावी वोटों के लिहाज से बहुत अहम माना जा रहा है, इसलिए कहा जा रहा है मिडिल क्लास को ध्यान में रखते हुए इतना बड़ा जो ऐलान है वो किया गया। पूजा जी सब खुश हैं इससे 5 लाख से, परंतु ये 4 साल पहले कहां गए थे? समय से चीजें अच्छी लगती है, पिछले बजट में करते मतलब हालात इतने अच्छे नहीं है जितने ये दिखाना चाह रहे हैं, उतने अच्छे हालात नहीं है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक बजट रखा गया था पिछली बार, आपको बताऊंगा 51% कैक की रिपोर्ट है, मेरी नहीं है ना, मैं बना सकता, 51% सिर्फ और सिर्फ विज्ञापन पर खर्च कर दिया। क्या कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप बातें बातें में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करोगे, कैक की रिपोर्ट है 51% अपनी इश्तेहार में खर्च कर दिए, एडवर्टाइजमेंट में प्रधानमंत्री जी ने खत्म कर दिया। पुरानी बात 100 स्मार्ट सिटियों का क्या होया, किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे उनका क्या होया? देखिए ये तो वायदों की नहीं, ये वायदे नहीं है, नहीं नहीं ये वायदे सरकार के थे, बजट में पहले बजट में कही थी हम करेंगे। मैं कह लू धरातल पे पकौड़े तलने के अलावा वो भी थूक के पकौड़े, आप पकोड़े तलो और बेचो, वो हमने आपको रोजगार दे दिया। बड़ी हैरानी होती है मैडम, आप देख लीजिए, आप एक युवाओं के लिए लेके आए थे, युवाओं को नौकरियां देंगे 2 करोड़ सालाना देंगे। नहीं, मुझे दलबीर जी ये बताइए, ये बजट में ही है जी, इस बजट में जो जनता सोच रही है, जो जनता जो दिखाया गया है, मतलब ये कि सीधे तौर पर जो दिखाया गया जनता ने वो देखा, अंदरूनी तौर पर आपको क्या है इसमें कमियां लगी? हाँ, आपको क्या लगा उसमें नहीं ये होना चाहिए, आम जनता के फायदे के लिए नहीं है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है वो जनता जानना चाहेगी ना। बिल्कुल, किसान पेंशन करी 5 एकड़ तक के 6,000 रुपए सालाना, यानी 500 रुपए महीना। ये बात मेरे मित्र ने बहुत अच्छी कही भारतीय जनता पार्टी के ने, और कांग्रेस ने क्यों नहीं की, बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही है, परंतु मैं उनका जवाब वो तो नहीं दे पाए, वो शायद देंगे आगे, मैं देना चाहता हूं। कांग्रेस ने देश को बिल्कुल गड्ढे में डाल दिया, आप गड्ढे को कुआ ना बनाएं, कांग्रेस को देश से बाहर कर दिया। अगर कांग्रेस वापसी करती है तो भारतीय जनता पार्टी की कमी होगी, जहां 3 राज्यों में दोबारा आई, जहां सब्स्टिट्यूट नहीं था, कांग्रेस वर्सेज भाजपा का चुनाव हुआ, वहां भारतीय जनता पार्टी को हरा के कांग्रेस दोबारा आ गई। ये कमी नरेंद्र मोदी जी की है, क्यों है? आपने सपने तो बहुत बड़े बड़े दिखा दिए, किया तो कुछ भी नहीं, इसलिए कांग्रेस वापसी करिए। जहां सब्स्टिट्यूट था वहां क्षेत्रीय दलों ने राज किया, दो जगह, एक जगह कांग्रेस को हराया, एक जगह भारतीय जनता। ठीक है, मैं बजट को लेकर बार बार आप लोगों से कह रही हूं कि बजट में अगर आपको लग रहा है कि आम जनता के लिए मुनाफे की बात नहीं है तो वो क्यों नहीं है वो आप बताइए और वो एनालिसिस करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, सुखबीर जी से भी जान लेते हैं प्रतिक्रिया। सुखबीर जी, बजट को कैसे देख रहे हैं आप? पूजा जी, सर्वप्रथम तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जब भी आप बजट शब्द का उच्चारण करें तो उसके साथ अंतरिम जरूर लगाएं, क्योंकि ये बजट नहीं है, ये अंतरिम बजट है जी। अब मैं बात करूंगा, जिस प्रकार से 5 लाख का जो ढिंढोरा पीटा गया है, इसमें क्या टर्म्स कंडीशंस हैं, ये बजट में अभी तक भी बताया नहीं गया है। और जैसा कि मेरे मित्र दलबीर जी ने बताया कि 1 रुपया भी अगर इससे ऊपर हो गया तो इस 5 लाख का कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, ये जनता को पता है, ये पता है जनता को, नहीं पता है इसलिए बताया जा रहा है। जनता को नहीं पता है, जनता को अगर इतना ही सारा पता हो, इस बिहाफ पर आपकी 5 लाख के बाद अगर नहीं है, उस बिहाफ पे अगर आप इसको नकार रहे हैं तो जनता पूछेगी ना, ये तो हमें भी पता है, लेकिन क्यों आप इसको ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं वो बताइए जरा। दूसरा विषय, आपने भी बजट पे जब मंत्री जी का बजट अंतरिम बजट पेश कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने 2 बातों का जिक्र किया। एक तो वो बजट में उरी फिल्म दिखा रहे पूरे देश को, ठीक है, और दूसरा जो और बाद में इनके मंत्रीगण की जो प्रतिक्रिया आई बजट पे, उस पे ये सारे देश को सर्जिकल स्ट्राइक से जोड़ रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय भावना को अपने राजनीतिक उस में लपेट के उसको प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। क्या मतलब है उरी का, बताइए मुझे, बजट भाषण के दौरान क्या मतलब है सर्जिकल स्ट्राइक का? वो जो हुआ सो हुआ, कहीं ना कहीं ये देश को राष्ट्र भावना के उसमें जोड़ के अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करना चाहते हैं। अब आता हूं दूसरी बात पे, जिस प्रकार से पिछले जो इनका जब 2014 में जो वायदे थे, कहां गया जो रोजगार जो देने थे, क्या हुआ 5 साल में, यूथ की आज क्या हालत हो गई है, हेल्थ अगर आपको आपके राष्ट्र की जो चिकित्सा सेवाओं के हालात देखने हैं तो आपके नजदीक है दिल्ली, आप दिल्ली के किसी भी बड़े अस्पताल में चले जाइए, वहां पे
मरीजों को बेड नहीं है किसी भी अस्पताल में चले जाइए। हरियाणा में भी एम्स 22/5 बनाने का ऐलान हो गया। आज के पिछले 5 साल का अरसा होता है उसमें क्या हुआ वो बात है। दूसरी बात एजुकेशन में मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, क्या आज चाहे कांग्रेस की केंद्र में सरकार रही हो चाहे अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या आज जो युवा 12वीं क्लास पास करता है उसको रेगुलर एजुकेशन जिस भी फील्ड में वो करना चाहे, क्या हमारे देश में सीटें हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ठीक है। दूसरी बात, क्या जो लेबर स्किल्ड लेबर और एक सामान्य लेबर उनके लिए जो ये पेंशन और दूसरी दूसरी बात कर रहे हैं इनका किसी का कोई मतलब नहीं है। अभी जिस प्रकार से बात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय ने कहा महंगाई के बारे में, डीजल पेट्रोल की मार जब से ये भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है कैसे इस देश की जनता कितनी त्रस्त रही है, कहां गए स्मार्ट सिटी और स्वामीनाथन आयोग पे आज के जो हरियाणा के कृषि मंत्री कपड़े उतार के डांस कर रहे थे, कहां है स्वामीनाथन आयोग? इन सारी बातों का जवाब राष्ट्र की जनता मांग रही है, प्रदेश की जनता मांग रही है, जवाब लेते जवाब दे। ठीक है हुकुम सिंह जी, ये बताइए 10 सालों का रोड मैप अति आत्मविश्वास नहीं झलका रहा? 10 सालों का रोड मैप आपने इस अंतरिम बजट के जरिए दिखा दिया गया, मानो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ हैं कि हमने ऐसा ये इस बार अंतरिम बजट लोगों के सामने लाया है जिससे लोग आप ही के पक्ष में रहेंगे, और इसी तौर पर खास तौर पर मजदूर वर्ग मिडिल क्लास को आपने टारगेट किया है। बिल्कुल पूजा जी, मैं आपकी बात का जवाब देने से पहले मेरे जो साथी जो बोले हैं हर बात में नहीं, बजट तो अच्छा है पर उसके बाद भी उसके कसीदे काट दिए लेकिन एक भी कोई उसकी खामियां नहीं बता पाए। लंबी चौड़ी बातें तो बहुत की हैं मेरे कांग्रेस के साथी, पता नहीं करप्शन और पता नहीं फार्मर स्पोर्ट्स स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, शायद उन्होंने बजट को पढ़ा ही नहीं है। किसान को आज इसमें उसके इंटरेस्ट में भी 2% अगर प्राकृतिक आपदा आती है तो 2% उसको ब्याज में छूट मिलेगी जो किसान क्रेडिट कार्ड है, 3% जो उसका अपना ब्याज चल रहा है उसमें छूट मिलेगी, उसके अलावा 6,000 रुपए की पेंशन स्कीम है ये। और अभी मेरे साथी कह रहे थे असंगठित क्षेत्र के लिए क्या किया है, असंगठित क्षेत्र के लिए भी 3,000 रुपए की पेंशन योजना इस बजट में शुरू की है। उसके अलावा एम्स की बात कर रहे हैं, 22 नए एम्स की जो है 250 रुपए की आज वैल्यू क्या है वो भी बताएंगे प्रवक्ता साहब, जिसमें 14 में काम शुरू हो चुका है। इसके अलावा आज पूरे देश में और हरियाणा प्रदेश में एक भी मुख्यमंत्री, हमारे हरियाणा प्रदेश के मंत्री, देश के प्रधानमंत्री और किसी भी केंद्र के मंत्री के ऊपर एक पैसे का करप्शन का इल्जाम नहीं है। मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। नहीं, मैं जवाब आपका दूंगा, मैं जी बिल्कुल दूंगा, लेकिन मैं कांग्रेस के साथियों को बता देना चाहता हूं कि आए दिन इनके मंत्री विधायक अंदर होते थे बाहर होते थे, पूरा करप्शन में कांग्रेस डूबी रही, इसीलिए हाशिए पर भेजी है। आज इस पूरे बजट में अगर आप देखेंगे तो हर तबके को शामिल किया, अगर मैं किसी एक क्षेत्र का नाम लूं, मैं किसानों का आप लगाइए आयुष्मान भारत, किसानों पर तो आरोप लगे 17 रुपए रोज के क्या है ये? नहीं 17 रुपए रोज के अलावा इंटरेस्ट में उनकी उनके लिए एमएसपी में जरूर दिया है 17 रुपए, ये पर डे का कैलकुलेट कर रहे हैं। मैं तो पहले ही कहा है कि इन्होंने तो दिया नहीं, हमने एक शुरुआत तो उसके लिए बेहतरीन एक शुरुआत की है, मजदूरों के 22 फसलों। सुन लीजिए आप, सुखबीर जी सुन भी लीजिए, 22 फसलों का समर्थन मूल्य जो उनकी लागत का 50% बढ़ा करके ये सरकार ने तय किया है, जो किसानों के लिए मिलना है। हुकुम जी देखिए, किसानों के लिए जरूरी भी था क्योंकि पिछले चुनाव में आपने देखा किसान की नाराजगी जंतर मंतर तक दिखाई दी, किसान कितना प्रदर्शन कर रहे हैं, कितने मुद्दे उठे कर्ज माफी को लेकर भी, कांग्रेस ने कर्ज माफी का ऐलान किया और उसके बाद आपने देखा क्या कुछ हुआ। तो किसानों का इस अंतरिम बजट में लाना ये कहीं आगामी चुनावों को देखकर ही तो नहीं? बिल्कुल क्यों नहीं होगा, सुनिए जरा इसमें मतलब मानते हैं आप, ये मानते हैं नहीं, भारतीय जनता आगामी चुनावों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी तैयार किया गया है। पूजा जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा प्रदेश में काम किया है और जो आदमी काम करता है तो वो भविष्य के लिए अपने अपने जो आगे काम करने हैं उस वायदे को भी हमने बताया, ये एक अंतरिम बजट है और इसमें हमने बताया कि हमारी दिशा क्या है, हमने कहां देश को लेके जाना है। मेरे साथी जीडीपी की बात कर रहे थे, आज भारत की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में 6वें नंबर पर है, उन्होंने कहां पहुंचाया था, महंगाई का जो रेशो है वो एकदम डाउन होकर के आ गया है,
पहले मैं कांग्रेस के जमाने को अगर याद करूं 2014 का, तो आए दिन कीमतें बढ़ती रहती थी, आज जो मूल्य है बिल्कुल एकदम से वो बिल्कुल स्थाई तौर पर है, बहुत छोटा मोटा उसमें अप एंड डाउन होता है, कोई भी एक चीज की कीमत नहीं बढ़ती इस पूरे बजट में। एक चीज मैं इसमें कहना चाहूंगा कि इसमें जो स्वच्छता अभियान के तहत गांवों में मुफ्त बिजली की कनेक्शन देने का इस बजट में प्रावधान है, मतलब गांव को, शहर को, किसान को, मजदूर को, असंगठित क्षेत्र, संगठित क्षेत्र, सबको इस बजट में इन्वॉल्व किया। लेकिन मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला, एक मिनट, 10 सालों का रोड मैप फिर क्यों इतना कॉन्फिडेंस? बिल्कुल पूजा जी, देखिए इसलिए कि अगर मैं बात करूं जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट कांग्रेस ने बनाया है, वो अगले मतलब 10 साल के अंदर ही ओवरलोड हो गया, और अमेरिका का एयरपोर्ट देखिए अगले 100 साल तक ओवरलोड नहीं होने वाला। ये एक सोच का परिणाम है, जो कांग्रेस की जो सोच रही वो बहुत छोटी सी रही, उसमें भी करप्शन साथ में उनके साथ शामिल था, इसलिए वो योजना आज पूरे देश में सड़कों का जाल फैल गया, पूरे देश में आज मुख्य धारा से पूरा हर परिवार, हर तबका जुड़ा हुआ है। ये किस लिए हुआ? ये इसलिए हुआ कि देश की जो दिशा है, जो उसको एक लंबी दिशा देने का काम किया, और मोदी जी ने, सुनिए जरा, देखिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकारें आती और जाती रहती हैं, मोदी जी ने एक बड़ा विजन देश के सामने रखा और उसको लोगों ने पसंद किया। और देखिए उसी विजन का मैं एक उदाहरण, आप कहेंगे बजट से थोड़ा सा हट गया, हमने जींद का चुनाव हुआ है, अभी कांग्रेस, जेजेपी, आईएनएलडी को बिल्कुल हाशिए पर लोगों ने क्यों कर दिया? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश में काम करके दिखाया है लोगों को, वो मंजूर हुआ है, और हमने आगे के लिए भी हमने उन घोषणाएं की है कि हम काम करेंगे, इसलिए अति विश्वास के साथ आगे का काम कर दिया गया है। लेकिन जो चीजें पहले से ही पाइपलाइन में हैं उनको भी तो फुलफिल करना है, कब किया जाएगा, वो कैसे होगा, उन सबको किया है जो जो पाइपलाइन में उनको पूरा करवाने के संदर्भ में। भाजपा के प्रवक्ता साथी वो ये बता रहे हैं कि भावांतर भरपाई योजना क्या है, क्या बाजरा पे जो किसानों से संबंधित है, बाजरे पे जो कैप लगी थी क्या उचित थी? पहले भावांतर भरपाई योजना समझा दें, फिर बाजरे की बात बता दें। अगर ठीक करें, देखिए हमने चार फसल को जिसमें आलू, प्याज, टमाटर और गोभी, चार फसलों को भावांतर योजना से जोड़ा। वो किसान पोर्टल के ऊपर, क्योंकि मैं स्वयं भी चेयरमैन हूँ मार्केट कमेटी का, इस योजना से पूरी तरह जुड़ा हूँ, वो पोर्टल के ऊपर अपने को रजिस्टर्ड कराएं, और जब वो बेचते हैं तो जो अपना उससे फार्म लेंगे, और अगर वो रेट उससे नीचे आता है तो सरकार बाकायदा भावांतर योजना के तहत उसके खाते में पैसा डालती है। बाजरा पे पूछा, अब बाजरे का बताता हूँ, हरियाणा प्रदेश में बाजरा सोना बन गया, बाजरा सोना बन गया, एक भी किसान बाजरे के लिए ये नहीं कह पाया कि मेरा बाजरा नहीं बिका, उसको पोर्टल पर चढ़वाया, 1950 के रेट के पैसे। देखिए मैं चाहूंगी बजट को लेकर सवाल जवाब हम ज्यादा करें, ज्यादा बेहतर रहेगा। अंतरिम बजट को लेकर आपकी जो भी प्रतिक्रियाएं हैं, जो भी सवाल है वो आप पूछें, और अगर मैं ये तमाम विपक्षी पार्टियों के जो यहाँ पर बैठे हैं प्रवक्ता, उनसे पूछना चाहूंगी कि अगर आपको लग रहा है अंतरिम बजट में ये चीज सही नहीं है, जनता के साथ धोखा किया गया, या सिर्फ दिखाया कुछ और गया है, यानी कि घोषणा किसी और चीज की हुई है भाषण में लेकिन वो मिलेगा नहीं, तो स्पष्ट तौर पर बताइए हमें कि क्या है, ताकि जनता भी समझे कि आखिरकार क्यों फिर इस अंतरिम बजट को वो खारिज करे, या फिर क्यों वो माने कि ये सही नहीं है। पूजा जी, एक सवाल इसमें रह गया आपका, थोड़ा सा वो उन्होंने बीच में एक ऑब्जेक्शन लिया था, उन्होंने कहा कि 5 लाख रुपए से 1 पैसे भी ज्यादा हो गया तो तुरंत टैक्स लग जाएगा। बिल्कुल, आप देखिए 1.5 लाख की इसमें जो 80C की डिडक्शन है वो आज भी मौजूद है, 6.5 लाख रुपए तक, और उसमें जो निवेश उसने किया है, अगर हम जोड़ दें तो 6.5 लाख रुपए तक भी टैक्स नहीं लग रहा है, और अगर दूसरे उसमें निवेश नहीं किया है तो उसके बाद 5 लाख के बाद टैक्स। क्या ऑब्जेक्शन है इसमें दलबीर जी, जल्दी से बताइए। बताऊंगा मैं, फिर कहता हूँ टैक्स के बारे में, मेरे मित्र को जरूर बताऊंगा, 5 लाख से 1 रुपया ऊपर होते ही 12.5 हजार रुपए आपने देने पड़ेंगे, वो नहीं है छूट 5 तक, उसके बाद इन्वेस्टमेंट वो बचेगी। चलो वो अलग बात है, उस जनता समझ चुकी, हमने जनता को समझा दिया और कल समझा देंगे। और जहां तक जींद चुनाव की मेरे मित्र ने बात की, आसिफ नहीं भेजे, जेजेपी आपके साथ टक्कर दिए, जेजेपी बिल्कुल, चलिए 7 राउंड में हम जीते, 6 में आप जीते, आसिफ की बात है, जीता जो जीता उसको याद रखा जाता है।
बधाई के पात्र, हम तो कह रहे हैं धन्यवाद जनता ने हमें जो मैंडेट दिया। जीत की जंग का जिक्र बजट सत्र में भी हुआ, पीयूष गोयल भी जिक्र करते हुए नजर आए कि शायद जनता को पसंद आया, इसलिए सब हुआ। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद बहुत सारे डिस्कशन बाकी। जनता के लिए खासतौर पर यह बताना बहुत जरूरी है, क्या कुछ फायदे क्या कुछ नुकसान जनता को इस अंतरिम बजट से मिलने वाले, छोटे से ब्रेक के बाद। बेटा तू छोरी का ब्याह करना रहा और तेरे चेहरे की हवाई उड़ रही है। देश विदेश से शादी में मेहमान आने वाले हैं, इस ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खास पेशकश में हमारी बात बजट की हो रही है, इस बजट से क्या बेड़ा पार होने जा रहा है या फिर नहीं होने जा रहा, क्योंकि अगर बजट अंतिम हो तो अंतरिम बजट से भी बहुत कुछ लोक लुभाने वादे और लोक लुभाने सपने दिखाए जा सकते हैं। इस बात से ये तो स्पष्ट हो चुका है जो आज सबके सामने आया है, लेकिन क्या मिडिल क्लास को ध्यान में रखते हुए, क्या किसानों मजदूरों छात्रों सबको ध्यान में रखते हुए इसको तैयार किया गया है, और किस लिहाज से इस बजट को इतना अहम माना जाए, क्यों? क्योंकि आगामी चुनावों को देखते हुए कुछ एक खास वर्ग को लुभाने की कोशिश भी इसमें की गई है, इसीलिए इसको अंतरिम बजट से ज्यादा चुनावी बजट कहा जा रहा है। दलबीर जी, आप अपनी बात को पूरी कर सकते हैं, कुछ सवाल थे। बिल्कुल, ये चुनावी बजट एक तरह से भारतीय जनता पार्टी ने दिखाने का काम किया है, पर प्रदेश की जनता देश की जनता ये जानती है ये 4 महीने के लिए बजट है। आज सोशल मीडिया का जमाना है, सब अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, सब सोशल मीडिया पे हैं। पहले के टाइम में ये चीजें चल जाती थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आपको ध्यान होगा, मैं फिर याद दिलाना चाह रहा हूँ, उन्होंने चुनाव में जाने से पहले, आचार संहिता लगने से एक दिन पहले बहुत बड़े 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 बातें कर दी थी, 1500 में पेंशन देंगे, 1 नवंबर से लागू करेंगे। पर नौकरियों के जैसे कई गेस्ट टीचर हैं, इनको हम गेस्ट टीचर ना करके रेगुलर करेंगे, 1 नवंबर से, अक्टूबर में चुनाव था, नवंबर 1 दे दिया। तो प्रदेश की जनता ने सभी करते हैं, ये तो सभी करते हैं, मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो याद दिला रहा हूँ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो हाल है वो उनका हो जाएगा। मैं यही बात बताना चाहता हूँ, इस बजट में जो कमी आप पूछ रहे थे ना, मैं फिर अपने मित्र को बताना चाहूंगा, फिर थोड़ा ये ध्यान दें, 5 लाख तक की छूट हुई है इसमें, परंतु 4 महीने बाद कोई भी सरकार बनेगी, एनडीए की बने, यूपीए की बने, या थर्ड फंड बने, कोई तो बनेगी, वो इसमें कम ज्यादा कर सकते हैं, सरकार ये नहीं रोक पाएगी, मोदी जी नहीं होंगे इस देश में अगले पीएम, ऐसा मान के चल रहे हैं। जिस तरह के उन्होंने आखिरी बजट में, अगर वो जनता का भला चाहते तो उनके पास बहुमत की सरकारें थी, बहुमत की सरकार में पिछले 4.5 साल हो गए, आप कितना ही तो दे देते जनता को। एक सबसे बड़ी उम्मीद एक जनता को और थी, अब जाते जाते मोदी जी पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लेके जरूर जाएंगे, ये सीधा सीधा जेब काटने का काम कर रखा है प्रदेश की जनता का, देश की जनता का। ठीक है, मैं फिर बताता हूं, खिलाड़ियों के लिए इस बजट में कुछ नहीं रखा, खिलाड़ियों का पदक लेने की तो बातें हो रही है, खिलाड़ियों के लिए कुछ नहीं रखा इस बजट में जो उनको दिया जा सके। शिक्षा में सुधार, पूजा जी आप ये देखिए आज हॉस्पिटलों की हालत है, हरियाणा में 4.25 सालों के भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्र यहाँ बैठे हैं, बड़े भाई है मेरे, कौन सा हॉस्पिटल ने नया बना दिया, बेड बढ़ाने तक का काम करते हैं बस, ये 100 बेड का था 200 कर दिया, हॉस्पिटल वही है, हम तो गुड़गांव में बैठे, गुड़गांव का सिविल हॉस्पिटल है, गायनी का जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाने की तो बहुत बातें करते हैं, आज पूछ के देखो हॉस्पिटल में पिछले 1.5 या 2 साल से गायनी का जो डिपार्टमेंट वो बंद पड़े हैं, ऐसे हालात हैं। ठीक है, तो हालात बिल्कुल नहीं सुधरे हैं, सुधार सकते थे मोदी जी चाहते तो, भारतीय जनता पार्टी को एक मौका मिला था कांग्रेस को वापसी ना करने दे, परंतु राजस्थान में मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ में इनको ये शो करता है, इनसे चूक हुई है, और जो कांग्रेस का हाल होया था वो भारतीय जनता पार्टी चूक का असर हरियाणा में दिखा नहीं, निगम चुनावों से लेकर जिन चुनावों पर उस चूक का असर नहीं दिखा। आप कैसी बातें कर रहे हो, क्यों नहीं दिखा, मुख्यमंत्री जी वहां रहे, सारे मंत्री वहां पड़े रहे पिछले 10 दिन, ठीक है, जीत तो कितनी जीत हुई? कितनी जीत है, ठीक है, कितनी जीत, वो 12,000 की जीत मानेंगे सर, वो तो जीत एक नई पार्टी 50 दिन पुरानी पार्टी ने 12,000 की जीत है, सारों को जीत नहीं मानेंगे, पसीने लगे पहले नंबर पे, सारे मंत्री वहां बैठे हैं, ठीक है, सारा पैसा वहां लगाया गया है, किस तरह गाड़ियां पकड़ी गई हैं सबको पता, कोई कहने की बातें थोड़ी है, आपसे कौन छुपा सकता है। ठीक है,
मुझे ये बताइए मनीष जी, गेम चेंजर साबित होने वाला है क्या ये अंतरिम बजट, क्योंकि कांग्रेस इस पर प्रतिक्रिया तो दे नहीं पा रही है। अगर आप इसको खराब बता रहे हैं, आप बता रहे हैं कि ये लोगों के लिए सही नहीं है, या इसमें उस तरह की जो घोषणाएं हुई हैं, जो वायदे हुए हैं, वो सिर्फ चुनावों को देखकर किए गए हैं, तो फिर माइंडसेट सेट हो जाएगा लोगों का। देखिए ऐसा है, जो चीज जनता के लिए, जन जागरण के लिए अच्छी है, उस चीज के लिए हम हमेशा अप्रिसिएशन करते हैं कि वो चीज होनी चाहिए। तो आप अच्छा मानते हैं जनता के लिए होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर किसानों के लिए 6,000 रुपए की बात और 500 रुपए महीने की बात ऊंट के मुंह में जीरे जैसी बात है। लुभावने वायदे करने बड़ा आसान है, उसको पूरा इम्प्लीमेंट में लाना और टर्म एंड कंडीशन लगा के वोट लेके फिर वापस चले जाना। लोगों को बड़ा अच्छा लगता था कि बुलेट ट्रेन आएगी, सुनने में भी अच्छा लगता था, देशवासियों की भी अच्छा लगता, एक के बदले 10 सर लेके आएंगे, बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छा लगता था स्मार्ट सिटीज बनेंगी, एमपीओ ने गांव गोद लेंगे, गांवों का वो होगा, स्वच्छ भारत होगा। हुआ क्या, 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा सिर्फ माँ गंगा की सफाई के अभियान में इन्होंने लगाया, 58% माँ गंगा मैया ज्यादा मैली हो गई। आप ये देखिए, किसान विरोधी सरकार है। अभी धनखड़ साहब ने, जेजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस की वापसी नहीं होनी चाहिए, 3 राज्यों में कांग्रेस की वापसी हुई, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बीजेपी बैकफुट पर है। उसका कारण रहा, उसका कारण रहा पिता जी, कि बीजेपी पिछले 4.5 साल में कुछ पूंजीपतियों की सरकार बन के रह गई। आप देखिए, नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चोकसी देश का 1,000,000,000 रुपए लेकर भागने में कामयाब हो गए। 15 पूंजीपतियों का 3.5 लाख करोड़ रुपए मोदी जी ने माफ कर दिया, किसान का 1 रुपए माफ नहीं किया। अब जो किसानों की बात ये सरकार कर रही है वो क्यों कर रही है, उसका भी एक कारण है। आज हर एक आदमी कागज निकाल के बोलता है मैंने आरटीआई लगाई, तो आरटीआई किसने दी, आरटीआई कांग्रेस ने दी। राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, अगर कोई बिल लेके आया तो कांग्रेस लेके आई। आज राहुल गांधी जी ने संसद के अंदर पिछली बार कहा था कि अब हम राइट टू मिनिमम इनकम कर वो लेकर आएंगे। जब इन्होंने देखा कि कांग्रेस इस बिल को लाने का काम कर रही है और कांग्रेस ऐसे बिल अपने वायदों में, अपने एजेंडे में रखने का काम कर रही है, तो इन्होंने ये किसानों के लिए 6,000 रुपए वाला ऊंट के मुंह में जीरा। मैं ये कहता हूं, हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है और भारतवर्ष में जहां 70% ज्यादा की आबादी किसान और प्रदेश पर आधारित होती है, तो क्या सिर्फ 500 रुपए महीना? आपको लगता है मनीष जी कोई वर्ग ऐसा है जो अछूता रह गया, क्योंकि ये तो कहा जा रहा था कि हर एक को इसमें रखा गया है, चाहे वो स्वास्थ्य हो या फिर आप किसानों का जिक्र कर रहे हैं, महिलाएं हो, महिलाओं की आपने बात करी, महिलाओं के बारे में आज प्रदेश में और देश में आप क्राइम रेट आप उठा के देखो, पिछले 4.5 साल में कितना क्राइम रेट बढ़ा है। किसानों की आप बात करके देखो, किसानों का आप देखो, 4.5 साल में आत्महत्याएं कितनी बड़ी हैं। आज रुपया सबसे निचले स्तर पर है, जब पेट्रोल और डीजल, अगर ये बात किसान की करते हैं, अभी धनखड़ साहब ने बिल्कुल ठीक बात कही कि उसको जीएसटी के अंदर लाना चाहिए था। जब 150 रुपए बैरल तेल था तो कांग्रेस की सरकार में 70 रुपए पेट्रोल बिका करता था, आज 70 रुपए बैरल जब तेल है तो 80 रुपए पेट्रोल बिक रहा है। इसका मतलब सरकार अपनी जेब भरने का काम कर रहे हैं। 50 किलो सरकार तो कह रही है हमने वित्तीय घाटा आधा कर दिया। कौन सा घाटा आधा कर दिया? आप देखिए वर्ल्ड बैंक का कर्जा बढ़ा है या नहीं बढ़ा? कौन मतलब सा घाटा आधा कर दिया? आप देखिए हरियाणा पे कर्ज आज से 4 साल पहले कितना था और आज बढ़ी है, छठे पायदान पर आ गई है, विकास गति बढ़ी है, वित्तीय घाटा आधा हुआ है। छठे नंबर की बात कर रहे हैं, उसके मापदंड बदल दिए गए, उसको तोलने की जो प्रक्रिया थी उसको बदल दी गई। मेरे बड़े भाई भाटी साहब ने बड़ी अच्छी बात करी, इन्होंने विकास की बात करी। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि गुड़गांव हिरोंडे चौक फ्लाईओवर बना, बनने के 2 महीने बाद पानी की निकासी नहीं हुई, वहां पर लोगों ने बोट चलाई, गुड़गांव की फायर ब्रिगेड वहां पर बोट लेके पहुंची, और 4 महीने बाद जब नगरोला का फ्लाईओवर तैयार हुआ, आप सुनिए मैडम, 4th दिन उसमें गड्ढे पड़ गए। आप देखिए करप्शन, और ये बात इन्होंने करी करप्शन की, 1,30,000 करोड़ रुपए का राफेल घोटाला जिस पे संसद में मोदी जी और रक्षा मंत्री जी आज तक चुप हैं। पर देश के सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका का सभी सम्मान करते हैं, क्या 70 साल में ऐसा कभी हुआ कि देश की न्यायपालिका, सर्वोच्च जज खुद बाहर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि न्यायपालिका खतरे में है? इन लोगों ने सीबीआई के डायरेक्टर को रातों रात
छुट्टी में भेज दिया। ये तमाम मुद्दे हैं, तमाम मुद्दे, लेकिन मैं बजट को लेकर ही आज मैं चाहूंगी कि आप बजट पर ही बात करें, फोकस आप अंतरिम बजट पर ही रखें। क्या कुछ उसमें आपको लग रहा है खामियां हैं, वो खामियां बताइए आपको लग रहा है अगर सरकार ने नहीं किया किसी खास वर्ग के लिए, तो आप बताइए स्पष्ट तौर पर उनको बताइए, एनालिसिस करके बताइए, आप आंकड़ों और तथ्यों के साथ बताइए कि जनता के लिए कुछ काम नहीं किया गया। किसानों के लिए जो 6000 रुपए का मापदंड रखा है वो ऊंट के मुंह में है, उसको बढ़ाना चाहिए। खिलाड़ियों के लिए हरियाणा सिर्फ 2% की आबादी वाला प्रदेश है पूरे देश में, और जब मेडल लाने की पदक लाने की बात होती है तो हम 66% पर खड़े उतरते हैं। उसके बाद ये बताएं कि 4.5 साल में कितने खिलाड़ियों का सम्मान दिया और उनको नौकरी देने का इन्होंने काम किया है। ठीक है, लेकिन इसी में ये भाटी जी आपसे ये सवाल जरूर पूछना चाहूंगी, बार बार किसानों का जब जिक्र हो रहा है, 2022 में किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, अब ये भी लोक लुभाने वादे हैं या फिर ये जो घोषणा है वो अमल में आएगी भी, क्योंकि आपने तो 2022 तक का सबको सपना दिखा दिया है। पूजा जी 2022 ही नहीं, आप 2018 को देखिए, 2018 में लागत मूल्य का 50% बढ़ा करके देने का काम हमने किया। उदाहरण के तौर पर मैं हरियाणा में आपको बाजरे का ही बता रहा हूँ। कैप लगाई आपने, कैप लगाई आपने, अरे 6-12 कैप की कौन सी बात है, 1900 का रेट जो है हरियाणा सरकार ने यहाँ दिया है, आप सुन लीजिए, जो औस्त पैदावार है ये नहीं है, नहीं नहीं नहीं, कांग्रेस और INLD की तरह बाहर से खरीद के लाके ब्लैक मार्केटिंग को अलाउ नहीं करती सरकार, जो आप लोगों ने किया है। आप लोग चाहते हैं कि यहाँ पर ब्लैक मार्केटिंग हो, आप किसान की औस्त जो है, सुनिए जरा, आप झूठ बोलना नहीं है, आप लोगों ने लूटने काम किया MLO ने, आप फालतू की बातें नहीं कर सकते, आपके सुप्रीमो आज भी सलाखों के पीछे हैं, इसलिए आप भ्रष्टाचार आप सुन लो जरा, आप सुन लो जरा, अपनी टांग पर बोलना, आप सुनो, आप सुन लो जरा, आप अपनी टांग पर बोलना, INLD से ज्यादा भ्रष्टाचार और किसी ने नहीं किया होगा। माँ के आज आंसू नहीं सूखे हैं जिनकी नौकरियां काट के दूसरे लोगों को देगी, याद रखो इन बातों को, ऐसे नहीं बातचीत हो पाएगी सर, प्लीज मैं सवाल पूछ रही हूँ उसका जवाब दीजिए, आप आपस में व्यक्तिगत तौर पर इस तरह की बातें ना कीजिए, बजट को लेकर अगर हम कुछ बजट की ही बात है ये, उसी को लेकर आपका एक एक करके सर, एक एक बोलिए, हुकुम जी बात पूरी कीजिए सर, समय सबको देना है मुझे। अभी जो मेरे साथी जो बजट में एक भी कहीं किसी एक बिंदु पर कहीं उंगली नहीं टिका पाए, एक बात कहते हैं कि किसानों को जो दिया है कम दिया है, मैं फिर कहता हूं हमने तो दिया है, आपने तो वो भी नहीं दिया, 50% बढ़ा करके किसान को हमने दिया है, वो आपने नहीं दिया। 72,000 करोड़ रुपए का कर्जा यूपीए की सरकार में माफ हुआ था, आपने अगर किसी के 72 रुपए भी अगर माफ करें तो बढ़ाने का काम करें, चौधरी बंदर सिंह उड़ाने 1600 करोड़ रुपए बिल्ली के बिल माफ हो रहे थे, आपने 16 रुपए माफ करें तो बताएं। बजट की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, इन्होंने कौशल इंडिया देश के लिए इतना बड़ा एक कौशल इंडिया से बड़ा भ्रष्टाचार कहीं नहीं, कौशल इंडिया सबसे भ्रष्टाचार वाली बात है। सुखबीर जी आप मुझे, इसके अलावा आप बार बार ये बात आ रही है कि भाई ये चुनाव को देख करके बजट आया है, देखिए बजट कब आता है, साल शुरू होने से पहले बजट आता है और उस बजट पर अगले साल में काम होता है, क्योंकि चुनाव काम चला हुआ है, बजट है, अंतरिम बजट है, इस तरह की चीजें पिछले 4 सालों में फिर क्यों नहीं आई, उस वक्त आपने हाथ टाइट रखा जनता के लिए, हाथ टाइट रखा और जब आपको लगा ऐसा है तो सब कुछ खोल दिया गया। पिछले 4 सालों में जो जरूरी काम था वो सरकार ने किया है, आयुष्मान भारत इस बजट में तो नहीं किया, बजट से पहले हमने किया है, सड़कों के विकास की योजनाओं की बात है, रक्षा में आज कांग्रेस कभी भी अपने देश में वो उपकरण नहीं बना पाई जो भारतीय जनता पार्टी के समय, आज कांग्रेस के समय को छोड़ दो आप, आज सारे उपकरण बनाने का काम हमारे डिफेंस का आज भारत में हो रहा है, ये किया है, इसलिए ये मेक इन इंडिया की बात करते हैं, बजट है हर समाज के हर तबके का, हर तबके को ध्यान में रखा गया है, लेकिन अगर कोई तबका अछूता रह गया है तो वो क्यों रह गया है? सुखबीर जी बताइए, आप स्पष्ट तौर पर बताइए, आपको लग रहा है अगर इस बजट में, इस अंतरिम बजट में कुछ खामी है तो वो क्या है? जैसा कि आपका इस दूसरे सेशन में जो बात थी के बेड़ा पार करेगा बजट, अंतरिम बजट, ये
राष्ट्र का बेड़ा पार नहीं करेगा, अपितु भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीतिक नैया पार करने के लोगों को झुंझुना देना चाहती है। लग रहा है आपको होगा इससे बेड़ा नहीं, पार कुछ नहीं होगा, लोगों कुछ के नहीं होगा। दूसरी बात ये बताएं, युवा के लिए बेरोजगारी दूर करने के लिए, खिलाड़ियों के लिए इन्होंने क्या किया इस बजट में, किसानों की आत्महत्या रुके उसके लिए कोई प्रावधान किया, किसान क्यों आत्महत्या कर रहे हैं अलग अलग प्रदेशों में, उन कारणों की विवेचना करी, उनका समाधान करने का कोई प्रयास किया? क्या ये बताएंगे भाजपा के प्रवक्ता साथी कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर को क्यों इस्तीफा देना पड़ा, सीबीआई के डायरेक्टर को के साथ इस प्रकार से इन्होंने दुर्व्यवहार किया? ये सारी इससे पहले कई जवाब दे चुके हैं, जवाब देना पड़ेगा। पर चर्चा कर रहे हैं क्या दलबीर जी दूसरा चर्चा है, आप बजट पर चर्चा करिए ना, इनका जवाब जवाब बजट का, आप बजट में आओ ना, आप बजट पर आओ, आपके पास मुद्दे नहीं है। सर आप मुझे ये बताइए, पूजा जी, जब से देश आजाद हुआ है कांग्रेस की सरकार ज्यादातर रही है, विपक्ष में चाहे जनसंघ रहे हो चाहे भारतीय जनता पार्टी रहे हो, हम जैसे छोटे दल जो रहे हैं, तो एक बात करते थे हमेशा, हम छोटे थे जब से, टाटा बिरला अंबानियों की सरकारें हैं, ये बातें हम सुनते आए करते आए सुनते आए करते आए, तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई, उसमें कुछ आराम मिला किसानों को, इसमें कोई शक नहीं है, उनके बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे वो नहीं चल पाए आगे, मोदी जी की नई भारतीय जनता पार्टी बन गई वो नहीं बन पाई, क्योंकि वो एनडीए की सरकार थी, 22 दलों की सरकार थी, मोदी जी अकेले। मैं आपको एक रिपोर्ट आई आज वो बताना चाहूंगा, आंखें खुल जाएंगी सबकी, प्रदेश और देशवासियों की। इस देश में आपको बताना चाहूंगा, ऑक्सफॉर्म की एक संस्था है उसकी एक रिपोर्ट आई है, 9 उद्योगपति ऐसे हैं देश में जिनकी आमदनी 21 लाख करोड़ बढ़ी है, 21 लाख करोड़ आमदनी हुई है 9 उद्योगपतियों की, हमारे देश का जो बजट है उसके बराबर है। अगर उनकी आमदनी को हम पूरे देश में अगर बांटना चाहें, राष्ट्रीयकरण जिसको कह सकते हैं वो करना चाहें, तो हरेक के खाते में 20,000 रुपया आ जाए, वो 9 व्यक्ति इतना पैसा उनके पास अपार धन कमाए इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद, हैरानी होती इस बात की। देश गरीब होता जा रहा है, किसान गरीब हो जाता है होता जा रहा है, कर्मचारी रो रहा है, हर कोई रोड पे, किसान आत्महत्या कर रहे बढ़ रहे हैं, ये मोदी जी के लिए बड़ी चिंता का विषय होनी चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी एक आम घर से आए हुए व्यक्ति है, उन्होंने तो बहुत चिंता होनी चाहिए गरीब आदमी, 9 व्यक्तियों के पास इतनी व्यापार संपत्ति क्यों बढ़ती जा रही है, सरकार गिरती जा रही है, कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, डॉलर की हालत खराब होती जा रही है, घटा है ये तो कहा है उन्होंने, नहीं क्यों है, जब नरेंद्र मोदी जी ने जो लंबे लंबे सपने दिखाए थे देश की जनता को, कांग्रेस को उखाड़ के फेंक दिया देश ने, इसलिए फेंक दिया, देश गड्ढे में जाता जा रहा था, आप तो कुएं में। एक और सवाल जरा भाटी जी से, गौ माता के लिए काफी कुछ किया, राष्ट्रीय कामधेनु योजना है, अब ये भी कहा है कि सरकार पीछे नहीं हटेगी, मतलब इस मसले को भी सरकार आगे ऐसे ही बढ़ाती रहेगी, स्पष्ट कर दिया इसमें। नहीं नहीं पूछा जी, देखिए जहां तक गौ संवर्धन की जो योजना को, क्योंकि अब इसमें एक अलग से आयोग बना करके और उसके लिए जो बजट की बाकायदा व्यवस्था की है, क्योंकि जो गौ धन है उसको देश में गाय को पूजा जाता है और उसको सही उसका जो संवर्धन हो, इसलिए सरकार ने इस बजट में जो है प्रावधान किया। एक बात मैं कहना चाहूंगा, मेरे साथी एक कह रहे थे मोदी जी नहीं आएंगे, ये तो आप जीत के चुनाव में भी कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी नहीं आएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आई, 5 नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी फिर आई, अभी मेरे साथी कह रहे थे कि हमने 3 प्रदेशों में जो है अपनी सरकार बना ली, 15 साल बाद तुमने सरकार बनाई है, वो भी झूठे वायदे लोन माफी के करके, और अब उनको उनकी बंदिशें लगा दी कि इतना लोन पर माफी नहीं, पंडी माफ होगा, उतना नहीं होगा, ये नहीं होगा। दूसरी बात है, इन लोगों को जो किसान आज ही आंदोलन पर उतारू है, ठीक है, फाइनल कमेंट्स भाटी जी, फाइनल कमेंट चाहिए मुझे, फटाफट से बताइए इस बजट से क्या सभी लोगों का ध्यान जाएगा और क्या इसको चुनावी अंतरिम बजट ना समझा जाए? बिल्कुल, देखिए ये जो बजट है ये पूरे समाज के हर तबके को साथ लेकर के उनकी भलाई के लिए ये बजट बनाया गया है, और ये व्यवस्था है चुनाव से पहले तक की व्यवस्था है, उसके बाद फिर पूर्ण बजट इसमें आएगा और इसमें हर एक को कहीं ना कहीं अंतरिम राहत देने का काम किया गया। और मैं समझता हूँ कि देखिए पूजा जी, मैं एक बात जरूर इस मौके पर पढ़ना चाहूंगा, 2022 तक
भारत स्वदेशी उपग्रह भेजने के लक्ष्य को पूरा करेगा, वो टारगेट इस बजट में लिया है, इसलिए देश की अस्मिता को भी बरकरार रखते हुए दलबीर जी सभी को इस बजट में शामिल किया गया है या छूता रखा गया है? दलबीर जी बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, देश ने प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार दी थी जिसमें पूर्ण बहुमत था। सर मेरे सवाल का जवाब, मैं वही तो सवाल का जवाब है, मेरे पास समय नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी सरकार दी थी बड़े दुख के साथ। बीच में बोलता है ना, मुद्दे उनके पास नहीं होते, हम बीच में किसी के नहीं बोलते। क्या जल्दबाजी हो रही, मेरी समझ में आती नहीं है। भाटी साहब आप ही बोल रही, मुद्दे हमारे पास, क्या आपको देश ने पूर्ण बहुमत नहीं दिया? मुद्दे पर बोलिए, क्या आपको देश ने पूर्ण बहुमत नहीं दिया? मैं कह रहा हूँ कांग्रेस ने जो सबसे ज्यादा राज किया उनको बाहर कर दिया था, इसीलिए किया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपनों को पूरा करने वाली सरकार आएगी। परंतु आज बड़े दुख से साथ कहना पड़ता है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, देश का कर्जा बढ़ रहा है। बजट पे तो कह रहे हैं, बजट पे तो सिर्फ और सिर्फ चुनावी बजट है और ये चार महीने के लिए बजट है, झूठे ड्रामे दिखाने वाली। ठीक है सुखबीर जी, चुनावी बजट समझा जाए क्या और इस चुनावी बजट से फायदा मिलने वाला है? और किस प्रकार से धार्मिक भावनाओं का दोहन करने के लिए गाय और गंगा के नाम पे भी इन्होंने फिर दोबारा से प्रगलाने का प्रयास किया है, ये देश की जनता समझेगी। और दूसरी बात मैं बताऊं, ये 2022 की जो बात कर रहे हैं और 10 साल का विजन इस अंतरिम बजट में कर रहे हैं, ये जनता की भावनाओं के साथ कहीं ना कहीं धोखा है। इन 5 साल में इन्होंने क्या किया उसका अब ठीक है, मनीष कटाना जी, इससे बड़ा धोखा कोई नहीं हो सकता। ठीक है मनीष कटाना जी, फाइनल प्रतिक्रिया। सरकार ने गाय के लिए, गौ माता के लिए बजट रखा, बड़ी अच्छी बात है। पौने 5 साल गाय पर गंगा पे राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के अंदर गौ माता के लिए एक सिंगल हॉस्पिटल और एक डॉक्टर की अवेलेबिलिटी नहीं कर पाई। गंगा माता की बात करने वाले 4800 करोड़ रुपए का वहां गबन कर गए और 58% गंगा मां मैली हो गई। इनके पास सिर्फ और सिर्फ जुमले, झूठे वायदे, लुभावने सपने दिखाने के अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या ये जनता को कुछ भी नहीं सब कुछ लगने वाला है या फिर नहीं लगने वाला? क्योंकि मिडिल क्लास के लिए तो खासतौर पर एक बम्पर ऑफर, एक तोहफे की तरह ऐलान किया गया। अब जिसको चुनावी कहा जा रहा है कि बजट चुनावी बजट के तौर पर इसको बनाया गया है, कितना फायदा आगामी चुनावों में इससे मिलने वाला है पार्टी को, ये जरूर देखना होगा। फिलहाल के लिए खास पेशकश में इतना ही, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, इतना ही, नमस्कार।